जरा देखो बशीर मियां की शान क्या है। एक गुलाम मुरीद आया आपका, आकर के सलाम किया और आकर के बशीर मियां के बराबर में बैठ गया। और जब बशीर मियां के बराबर में बैठा, सलाम किया, बैठ गया और एक नोटों की गड्डी निकाल करके बशीर मियां के हाथ में रख दी। कहा, हुजूर आपके यहाँ जो लंगर चलता है, गरीबों को खाना खिलाया जाता है, बेवाओं को जो खाना खिलाया जाता है, जो मुफलिसों को खाना खिलाया जाता है, जो मुसाफिरों को खाना खिलाया जाता है, मैं लंगर के लिए ये पैसे दे रहा हूँ, मैं लंगर के लिए ये रुपया दे रहा हूँ। नोटों की गड्डी थी, बशीर मियां ने अपने हाथ में ली और लेने के बाद बराबर में आग जल रही थी। नोटों की गड्डी को आग के अंदर डाल दिया। देखो पीर किसे कहते हैं, पीर की शान क्या होती है। नबी फरमाते, इत्तकू फिरासत अल मुमिनी फइन्नहु यंजुरु बिनूरिल्लाह। मोमिन की फिरासत बातिनी से बचो, वो अल्लाह के नूर से देखता है। बशीर मियां ने नोटों की गड्डी को आग के अंदर डाल दिया। उसने कहा, हुजूर सारी मेहनत पे पानी फेर दिया, हुजूर ये आपने क्या कर दिया, मैं कैसे पैसे कमा के लाया हूँ, हुजूर आपको क्या पता इतना पैसा कमाने में कितना वक्त लगता है। शिद्दत की गर्मी में पसीना बहा के पैसा कमाया, सख्त सर्दी में मैंने पैसा कमा करके आपके पास लेकर के आया। हुजूर बारिश हो रही थी, फिर भी मैं पैसा कमाने के लिए घर से बाहर निकला और ये बड़ी मेहनत से पैसे जमा करके मैं लेकर के आया था और आपने सारे पैसे आग के अंदर डाल दिया, आपने बहुत बड़ा नुकसान कर दिया। बशीर मियां फरमाते, खामोश हो जा, आप आग के अंदर हाथ डालते हैं और नोटों की गड्डी निकाल के इसके हाथ पे रख देते हैं। फरमाते हैं, जरा ये बता दे, ये जो पैसे मेरे पास लेकर के आया है, पहले ये बता इसमें सूद के कितने पैसे लेकर के आया है। उसने कहा, 250 रुपए सूद के लेकर के आया हूँ। बशीर मियां फरमाते, इसको गिन ले। जब उसने पैसों को गिना तो जो 250 रुपए सूद के थे उसको आग ने जला दिया था और जो हलाल कमाई के थे उसको आग ने नहीं जलाया था। ये अल्लाह वाले सूद के पैसे। सूद क्या है? अल्लाह कुरान में फरमाता है, अल्लज़ीन याकुलून अर-रिबा, वो लोग जो सूद खाते हैं, जब वो कयामत के दिन उठेंगे अपनी कब्रों से तो उनके पेट बाहर को निकले हुए होंगे और पेटों के बाहर निकलने की वजह से वो चल नहीं पा रहे होंगे, लुढ़कते पुड़कते जाएंगे। फरिश्ते उनको मारेंगे, फरिश्ते कोड़े मार करके रब की बारगाह में लेकर के जाएंगे। चलो नबी फरमाते, जो सूद का एक डेला खाए ऐसा है जैसे अपनी माँ के साथ 36 बार जिना किया। माँ जिंदा, सूद कितनी बुरी लानत है। सूद खोर जन्नत में नहीं जाएगा, सूद देने वाला और सूद लेने वाला दोनों जहन्नम, किला हुमा फिन्नार, दोनों जहन्नम।